सोलन में व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि जब कोरोना संकट आरंभ हुआ था तो सोलन के व्यापारी ने जिला प्रशासन का हर संभव सहयोग दिया, जान हथेली पर रखकर सभी नियमों का पालन किया और किसी भी नियम को टूटने नहीं दिया। लेकिन 2 दिन पहले सोलन में कोरोना पॉजिटिव आए और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति ने सोलन की कुछ दुकानों से सामान खरीदा था। उसके बाद उन दुकानों को जिला प्रशासन ने बंद करवा दिया था, लेकिन जिस तरह से उन दुकानदारों के साथ बर्ताव किया गया वैसा ही नहीं था, जिसके चलते आज सोलन का व्यापारी बेहद आहत है। सोलन बाजार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सोलन के व्यापारी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब जिला प्रशासन द्वारा कुछ व्यापारियों की दुकानें एहतियातन बंद करवाई गई तो उन दुकानदारों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, जिसकी वजह से वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर सोलन के व्यापारी की कोई गलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इस पर उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सोलन के व्यापारियों से वे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार सहन नहीं करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाहरी राज्य से लोग सोलन आ रहे हैं, जिसमें से अधिकतर रेड जोन से हैं, तो उन्हें संस्थागत क्वारंटीन करने के बजाय होम क्वारंटीन क्यों किया जा रहा है, जिस पर जिला प्रशासन को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोलन के व्यापारी जिनकी दुकानें जिला प्रशासन ने बंद करवाई थी, उन दुकानदारों के टेस्ट नेगेटिव आए हैं, जो सोलन वासियों के लिए खुशी की खबर है। ये 2 दिन, ये 5 दिन हम लोगों ने कैसे निकालने हैं हम जानते हैं। हमारे एक काम करने वाले आदमी ने, घर में काम करने वाले आदमी ने बाजार में आकर और ये दुकानें हमारी आइडेंटिफाई कर दी कि इन 3 दुकानों से हमने सामान लिया था, और सामान लेने के बाद में इमीडिएट हमारी वो जो दुकानें थी उनको बंद करा दिया गया। इवन के मेरे एक व्यापारी का कहना ये है, जो कि कोटना नाला के अंदर है, कि उसने मुझे ये बोला कि मेरी दुकान जिस टाइम बंद कराई गई, मुझे नहीं पता वहां कौन आदमी गया था, खैर मुझे नहीं अभी तक पता, तो उसको ये बोला गया कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आया था, फटाफट दुकान बंद करो, उसमें जो गाप थे उनको बाहर इधर कर उधर कर। हम एक चीज जानना चाहते हैं, क्या हम व्यापारी नैपकिन है कि जब हमारे को यूज किया जाता है, जब हमारी जरूरत होती है तो हम इस्तेमाल हो जाए, और जब हमारी ये लगता है कि अब इनकी जरूरत नहीं है तो इनको नैपकिन की तरह बाहर फेंक दे। हमें इस पे बहुत खेद है और हम इस पे बहुत खेद जताते हैं कि अगर हमारे व्यापारी के साथ में, ठीक है प्रशासन का काम है व्यापारी को चेक करना, प्रशासन का काम है व्यापारी की गलती को देखना, अगर अगर व्यापारी मेरा गलती कर रहा है, अगर हमारे व्यापारी की कोई गलती है, ठीक है आपके पास प्रावधान है, आपके पास कानून है, आपके पास हर एक चीज बनी है, आप उसके बेस पे मेरे व्यापारी का चलान करिए, आप उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करिए, हम बिल्कुल भी आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन ऐसा व्यवहार मेरे व्यापारियों से होना, उसके ऊपर मुझे बहुत दिली दुख है। और अभी तक भी 4 या 5 दिन हो गया है मेरे व्यापारियों की, फिर भी हमने कोशिश करके अपने 3ों व्यापारियों को मैंने सबसे पहले तैयार किया कि आप जाइए खुद कोविड टेस्ट करवाइए, स्वेच्छा से बोलिए हमें कोविड टेस्ट कराना है, हमने उनको भेजा है। तो मेरे 3ों व्यापारी जो हैं, 3 दुकानें जो हमारी बंद हुई थी, यानी कि प्रशासन के कहने पे बंद की गई थी, उन 3ों का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, और माननीय SDM साहब ने और माननीय अपना जो हमारे हेल्थ के जो है NK गुप्ता जी, उनके द्वारा उसकी पुष्टि की गई है। तो इसके ऊपर में हमें बहुत हर्ष है कि हमारे व्यापारी इस चीज से संक्रमित नहीं हुए, लेकिन इसके पीछे जो मेन चीज है, इसके पीछे मेन चीज है कि रेड जोन से आने वाले जो लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन की इजाजत कैसे मिलती है।